हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देश के साथ भारत का जो सीमा विवाद है, उसको आज संक्षिप्त इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। दरअसल मैंने इसके पहले बहुत सारा सुर्खियाँ कराई हैं, जिसमें सुर्खियाँ कुछ इस प्रकार से होती थी कि चाइना हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, नेपाल हो, तो भारत का ये सब जो पड़ोसी देश है, इसके साथ कुछ ना कुछ सीमा विवाद रहे हैं, अक्सर ये सुर्खियां में आती है। तो आज आपको टोटल इस वीडियो के माध्यम से अन्य देश यानी पड़ोसी जितने भी देश हैं भारत के, कौन कौन सा जगह पर जो सीमा विवाद है, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ये जो विवाद है, इसको फुल इतिहास के तौर पे हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे, वैसे क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको इस जो सीमा विवाद है, कुल मिला के आपको चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और नेपाल के साथ जो सीमा विवाद भारत के हैं, उसको इस इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा इंडिया का मैप है। पहले आप लोकेशन देख लो, इंडिया के अगर आप इस साइड देखेगो तो ये चाइना हो गया। इंडिया के आप थोड़ा उत्तर साइड में इधर देख लोगे तो ये आपका नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो इस प्रकार से तीनों देशों के साथ जो सीमा विवाद है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला सीमा विवाद हम लोग चाइना से करते हैं। सबसे पहला बात आप लोग को ये समझना है, भारत और चाइना जो एक दूसरे से जो सीमा साझा करता है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री को मैकमोहन रेखा के नाम से, यानी भारत और चाइना जो है किस रेखा द्वारा अलग होता है, तो मैकमोहन रेखा द्वारा अलग होता है। और सीमा विवाद की बात रह गई तो चाइना के साथ भारत का जो भी सीमा विवाद है, उसको हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक आप लोग सुने होंगे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये LOC है पाकिस्तान के साथ विवाद, जबकि LAC जो है वो चाइना के साथ विवाद है। तो ये LAC जो है, जितने भी सीमा विवाद, इसको तीन खंड में बांटा गया है। अगर आप वेस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे, जो लगभग 1570 किलोमीटर है, आपको ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ जाएंगे। आपको सेंट्रल यानी मध्य जो क्षेत्र है, वो 545 किलोमीटर की दूरी है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र हो जाएंगे। और एक आपको इधर का जो सेक्टर, जिसमें सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, उसको हम लोग एस्टर्न सेक्टर यानी कि पूर्वी क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, जो 1325 किलोमीटर है। अब हम लोग एक एक करके कहाँ कौन सा विवाद है, उसका चर्चा करेंगे। सबसे पहला अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, ये हम लोग चाइना के साथ देख रहे हैं। तो चाइना के साथ कितना सीमा विवाद है, उसका चर्चा करें। पहला जो लोकेशन आपको आपको दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है, इसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। दरअसल 1962 ईस्वी में जब भारत और चाइना का जो युद्ध शुरुआत हुआ था, उस वक्त ये आज के वर्तमान में जो लद्दाख का जो क्षेत्र दिख रहा है, इस लद्दाख के क्षेत्र का 10% हिस्सा, यानी पूरे भारत यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला लो तो उसमें से लगभग 10% हिस्सा जो है, उस पर कौन कब्जा कर लिया है, तो चाइना कब्जा कर लिया है। उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। वर्तमान में वो कहाँ है, लद्दाख का हिस्सा है और अभी वो चीन के कंट्रोल में है। तो पहला जो जगह क्या हो गया, अक्साई चीन। दूसरे जगह की बात करेंगे दोस्तों, तो दूसरा जगह अगर आप लद्दाख की ही बात करोगे, तो देखो लद्दाख के आप इस साइड आओगे एकदम पूर्वी क्षेत्र पे, तो दो जगह आपको मिलेंगे, एक डेमचुक और एक चुमार। ये दोनों जगह जो है लद्दाख के जिले में है। इसी क्षेत्र को लेकर चाइना के साथ हमेशा विवाद होते रहता है। तो चाइना के साथ विवाद में पहला आपको यानी लद्दाख के क्षेत्र में दो जगह मिल गए, एक मिल गए अक्साई चीन और एक डेमचुक और चुमार। अगर अगले स्टेट की बात करें, उसके नीचे आप आओगे तो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्टर देख रहे हो, तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक क्षेत्र मिलेंगे विवादास्पद। यानी हिमाचल प्रदेश के आप इस क्षेत्र की बात करोगे, तो इसका जो नाम, जगह का जो नाम है, वो सिपकिला या और कौरी, दो जगह आपको दिख रहे हैं, सिपकिला और कौरी। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित, यानी ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ये किन्नौर जिलों में है। दरअसल इस पे है, चीन ये दावा करता है कि यह तिब्बत का हिस्सा है, यानी कि इस इलाकों के लेके चीन और भारत के बीच चीन क्या दावा करता है कि यह वह उसका, चीन के जो तिब्बत का हिस्सा है, उस तिब्बत का ये कौन है, ये हिस्सा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ विवाद हो गया। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड के साथ आते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड के साथ आपको दो जगह जो है विवाद मिलेंगे। तो उत्तराखंड में अगर आप इस जगह की बात करो, यहाँ आपको जो लोकेशन दिख रहा है, ये वाला लोकेशन, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ये उत्तराखंड के
के बारा होती जगह पे है, उत्तराखंड के बारा जो है, ये उत्तराखंड में निर्जन क्षेत्र, ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई चीज़ उपज एकदम वनस्पत यानी कि एकदम निर्जन है, कुछ चीज़ का उपज नहीं होता है, तो एकदम सुनसान जो जगह क्षेत्र है, इस पर भारत और चाइना को लेकर क्या रहता है, हमेशा सीमा विवाद रहता है। अगर दूसरा और जगह की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बिल्कुल सेंटर पे, तो ये जो जगह है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में, ये एकदम पूर्वी क्षेत्र पे यहाँ जो जगह था बाराहोती, और वही उत्तराखंड के आप यानी हिमाचल प्रदेश के सीमा और उत्तराखंड के एकदम बीच के जंक्शन में देखेंगे, इस जगह को कहते हैं नेलांग, पुलम, सुमदा, सांग, जदांग और लथल, इतना जगह इस क्षेत्र पे है, और इस क्षेत्र को जो है ये भारत और चाइना के बीच यहाँ भी विवाद बना रहता है, ये उत्तरकाशी जिला यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है। अगला अगर हम विवाद की बात करेंगे चाइना के साथ जो है, वो आपको विवाद आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलेंगे। दोस्तों असल क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हिस्सा है यानी मैकमोहन जो रेखा भारत और चाइना के बीच खींचा गया है उसका वो उल्लंघन करता है, इस अरुणाचल प्रदेश को वो दक्षिणी तिब्बत का यानी कि तिब्बत का ही भाग समझता है, कौन, ये चाइना, और इसे ये दक्षिणी तिब्बत के नाम से पुकारता है, और इसे किस नाम से जानता है, दक्षिणी तिब्बत के नाम से जाना जाता है, ये भारत और चाइना के बीच विवाद है। तो इतना आपको जो मैंने यहाँ दिखाया वो भारत और चाइना के बीच क्या है विवाद यानी कि जो सीमा विवाद है इसके बारे में। दूसरा अगर हम बात करेंगे देश का, तो दूसरा देश आपको भारत का नेपाल के साथ विवाद है। नेपाल के साथ आपको दो जगह विवाद मिलेंगे, एक देखो यहाँ पे दोस्तों, एक एकदम यहाँ ये जो जंक्शन है इसे ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं, ये जगह जो है यहाँ पे आपको तीन क्षेत्र मिलेंगे, काला पानी, लेपु लेक और लिम्पाधुरा। अब यहाँ देखो मैप को थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखे, ये जो इतना आपको जो दिख रहा है ये जो क्षेत्र है, ये तीन क्षेत्र आपको काला पानी, लेपु लेक और लिम्पियाधुरा, ये तीन जो क्षेत्र हैं बिल्कुल भारत, नेपाल और ये चाइना के क्या है एकदम सेंटर पे, अतः इसे भारत चाइना तथा नेपाल का ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं। दरअसल ये विवाद जो आपको नेपाल के साथ है, नेपाल के साथ विवाद ये इस काला पानी यानी काली नदी को लेकर है। दोस्तों दरअसल क्या हुआ था कि 1816 से 1820 ईस्वी में इंडिया यानी कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध में जब नेपाल की पराजय हुई तब अंग्रेज द्वारा नेपाल के साथ सुगौली की संधि की गई, उस सुगौली की संधि के तहत उस समय का जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया वो काली नदी को लेकर किया गया, और काली नदी जो है दो धाराओं से मिलकर बना होता है, एक इधर से मिलकर बना है और एक इधर से मिलकर बना है, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत और नेपाल का जो सीमा जो होगा वो काली नदी के पार होगा। अब नेपाल मानता है कि काली नदी का उद्गम यहाँ है और भारत मानता है कि काली नदी का उद्गम यह है, मेन उद्गम को लेकर विवाद है। इस प्रकार नेपाल अपना जो मैप है उसका राजनीतिक मैप उसको इस पूरे हिस्सा को अपने में दिखाता है, और भारत जो है ये पूरे हिस्से को अपने में दिखा रहा है, तो ये भारत और नेपाल के बीच क्या है सीमा विवाद। दूसरा आपको विवाद आपको यहाँ बिहार के, बिहार से सटे जो है गंडक नदी के तट पर, बिहार के गंडक नदी के तट पे गंडक नदी के अपवाह मार्ग में क्या होता है हमेशा परिवर्तन होते रहता है, यही कारण भारत और नेपाल के बीच यहाँ भी विवाद बने रहते हैं। अब अगला देश आ जाता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद। अब भारत के और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद तो आप लोग से छुपा नहीं है। अब यहाँ पे समझो भारत सबसे पहला कि भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे तो दोनों के सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन से होता है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच किसके बीच होता है सीमा का निर्धारण, तो रेड क्लिफ लाइन से। और अभी जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो हम लोग जो LOC कारगिल की बात करते हैं, तो LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, जबकि LAC के बारे में चर्चा किए थे भारत और चाइना का। अब एक एक करके देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ कहाँ विवाद है। पहला पॉइंट आपको यहाँ एकदम लद्दाख के एकदम ऊपर वाले क्षेत्र को देखते हैं, जिसे सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, सियाचिन जगह। दरअसल क्या हुआ था दोस्तों, 1984 ईस्वी में इस पर युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे वाला में यानी ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का स्थल कौन था, सियाचिन। अभी ये भारत के कंट्रोल में है, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत ये भारत अपना कंट्रोल में लाया था। आपको तीन जगह मिल रहे हैं, तीन जगह में अगर हम अब यहाँ पे देखो, तीन जगह में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपने पहले देखा तो पहला जो था उसका नाम था सियाचिन, अगर दूसरे का बात करते हैं तो ये जो जगह आपको दिख रहा है इसका नाम है ट्रांस काराकोरम ट्रैक,
इसका क्या नाम है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक। दरअसल क्या हुआ, यह पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी कि जो पीओके है उसके हिस्से में जगह जिसे गिलगित, सकसगाम और घाटी का हिस्सा है। ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है कि यह है भारत में, एक्चुअली है भारत में, और ये अभी पीओके वाले हिस्से में है, और ये 1963 ईस्वी में इसको पाकिस्तान क्या कर दिया, चाइना को सौंप दिया है। तो एक तो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान के कब्जे में था, और 1963 में ये किसको सौंप दिया है, तो चाइना के ये कंट्रोल में है। तो इस जगह को लेकर विवाद है। उसके ठीक नीचे आप देखोगे सियाचिन के जस्ट नीचे, तो एक जो है साल्टोरो रेंज है, एक क्या है साल्टोरो रेंज, ये लद्दाख का हिस्सा है, ये अभी पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया गया है। यानी कुल मिला के ये तीन सेक्टर जो सियाचिन के आसपास है, ये भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद है। उसके और बालिस्तान, ये दोस्तों क्या है कि पीओके का हिस्सा है, यानी पीओके जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, तो जो युद्ध होने के बाद जो भारत का वो 30% हिस्सा को अपने कब्जे में रख लिया, जिसे पीओके के नाम से जानते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, तो उसका ये हिस्सा है गिलगित और बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है अभी। उसके ठीक नीचे आप जम्मू कश्मीर के हिस्से में, ये लद्दाख के क्षेत्र में वर्तमान में, उसके नीचे आप आओगे तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये इसे पीओके के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा किया, ये अभी किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में। फिर अगर आप यहां नीचे आओगे गुजरात में, गुजरात में आपको दो जगह, गुजरात में दो जगह विवाद मिलेगा। एक यहां जो रेखा है जिसे सर क्रिक के नाम से जानते हैं, ये सर क्रिक जो है गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। वर्तमान इस पे तो भारत का कब्जा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा यहां सीमा विवाद होती रहती है। और एक अंतिम जो आपको है, गुजरात के आप जूनागढ़ जिले में, जूनागढ़ क्षेत्र में जाओगे तो पाकिस्तान जो है अपने आधिकारिक नक्शे पर इसे अपने जगह में उसे दर्शाता है, और वहां मानता है कि ये जूनागढ़ जो है, दरअसल जूनागढ़ का जो राजा था जब भारत का एकीकरण हो रहा था, तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। यही कारण है कि अभी वो पाकिस्तान जो है इसे अपने कब्जे में लाने की कोशिश करता है और अपने आधिकारिक नक्शे पर उसे अपना बताता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने जो भारत का जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो सीमा विवाद था उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा किया, जैसा चाइना के साथ विवाद, पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ। दोस्तों अगर आप लोग को ये इन्फोग्राफिक्स पसंद आया होगा, कृपया लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।